फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम निकले हैं कुछ ऐसी बातें जानने के लिए जिसे सुनने के लिए हर कोई बेताब रहता है। जी हाँ दोस्तों, वो हैं बातें संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की। एक महिला हमारे साथ जुड़े हैं, वो बताएंगे आखिर क्या सच्चाई है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की। नमस्कार मैम। धन धन सर। नमस्कार। आपका नाम? मैम मेरा नाम पिंकी। कहाँ से आए? यही रामत कौन से। कितने समय से रेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं आप? मैम मैं जुड़ी हूँ 2006 में, मेरी शादी हुई है, उसके बाद मैंने नाम शब्द लिया है। लेकिन मेरे को अगर पता होता कि पहले नाम शब्द मिलता है यहाँ पे अच्छा होता है तो शायद मैं ना शादी करवाती, मैं पहले यहाँ पे आती। मैम 2006 से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, तो क्या जानते हैं आप गुरु जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में? मैंने बहुत कुछ पाया है यहाँ से, बहुत कुछ अपनी बुराइयाँ गायब की हैं और भी मालिक करवाए, सबकी बुराइयाँ गायब करवाए मालक, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद रखे, सदा बहार रखे मालक, सबको सहन शक्ति दे, सेवा से मन परमात्मा फल बख्शे। मीडिया में हमने बहुत कुछ सुना है गुरु जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, क्या वो बातें सुनकर भी आज भी आप गुरु जी में भरोसा करती है और आज भी आप डेरा सच्चा सौदा में आती हैं? मैम देखो, दुनिया को तो मुँह अपा कहते हैं ना, हाथ अगर मारेगा कोई हाथ पकड़ सकते हैं, बोलेगा तो मुँह नहीं पकड़ सकते। गुरु जी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो बैठे बैठे सब कुछ जान जाते हैं, अभी किस बंदे के अंदर कैसी भावना है, जैसे भावना से हम डेरे में आते हैं वो वैसे ही हमें फल मिलता है। मैम हमने यहाँ सुना था कि लड़कियाँ यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है डेरा सच्चा सौदा के अंदर? मैम मेरे को तो कुछ ऐसा ना ही अब तक सुना है, ना ही सुनने को आया, ना ही सुनने को मिलेगा कुछ। जहाँ मैं कहती हूँ यहाँ पे जितनी सुरक्षा लड़कियों की है कहीं भी नहीं है। इतने तो अच्छे घर, लड़कियां अच्छे घर में गई हैं, यहाँ सेवा करती हैं, जो अच्छी जॉब मिली है, गर्ल स्कूल है, इतना अच्छा बड़ा स्कूल है, सबकी अच्छा मतलब बच्चों का लड़कियों का बहुत सेफ्टी आ जाती है। मैम अपनी गर्ल्स स्कूल की बात की तो हमने गर्ल स्कूल जो यहाँ के शिक्षण संस्थान है उनके बारे में भी सुना है कि वहाँ के हॉस्टल से सुरंगे जाती थी गुरु जी की 13 वास को। नो मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं मैडम। मेरे को आज कम से कम 5 साल हो गए स्कूल में लगे हुए, कुछ भी ऐसा हमने, मैं पूरा हॉस्टल घूमी हूँ, पूरा स्कूल घूमी हूँ, कुछ नहीं देखा मैंने ऐसा। मैम फिर मीडिया क्यों इतना बोल रहा है? मैम वही मेरे गुफा, वो सुरंग, वो क्या चीज़ है? मैडम मैं आपको पहले बता सकूँ, जितने मुंह उतनी बातें। मारने के हाथ पकड़ सकते हैं आपका, लेकिन बोलने की जुबान आप नहीं पकड़ सकते किसी, ये समझ सकते हो आप? हाँ समझदार हो ना। लेकिन मैंने तो सब कुछ यहीं से पाया है और पाती रहूँगी मैं सदा बार। अपने आई हूँ यहाँ पे 6 में पता चला है मेरे को कि डेरा सच्चा सौदा है, लेकिन पहले मेरे को कुछ नहीं पता था मेरा। मैम एक इमेज मीडिया ने दिखाई है दुनिया को गुरु जी की, डेरा सच्चा सौदा की, आप उस समाज को उस दुनिया को क्या मैसेज देना चाहोगे, आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहती हूँ कि आप आओ, आपको आके यहाँ से पता चले कि क्या कुछ है हमारे गुरु जी। ऐसा कुछ भी नहीं है गुरु जी के अंदर जितनी लोगों ने बातें बना रखी हैं। हम तो ऐसे ही चाहते हैं कि गुरु जी बेकसूर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी से जल्दी हमारे गुरु जी आएंगे, हमारे बीच आएंगे, हमें खुशियां देंगे, जो है मतलब खुशियों से कमी रह गई वो आके पूरी करेंगे हमारी। जितने भी साल हो गए उनको, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, आएंगे, हमें खुशियां जरूर देंगे। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, समाज में जब से गुरु जी गए हैं क्या लॉस हुआ है, कितना बुराइयां समाज में बढ़ चुकी हैं? हाँ ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगी आपको, जब से गुरु जी गए हैं नशे इतने हो गए कि घर घर में आजकल नशा चल रहा है, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। पिताजी की इतनी रहमत है हमारे घर के ऊपर, भी पिताजी जैसे मेरे घर के ऊपर रहमत रखी है, पिताजी सबके ऊपर रहमत रखी, कुछ भी नहीं ऐसा हम कह सकते। मैम एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, समाज को, सरकार को आप गुरु जी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगी सरकार के, जो भी सरकार के भाई हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, हमारे गुरु जी बेकसूर हैं, हमें उनको जल्दी वो करवाए, वो उनकी जीत हो और हमारे बीच जल्दी आएं और हमें आके दर्शन दें, सबका सुधार करें और करेंगे भी और जल्द से जल्द करें। थैंक यू मैम।